मेरा काम क्या है? मेरा काम है जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये है इतना बड़ा है यहाँ से लेकर के, और ये ब्लैक वाला जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो तो इसका एक पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसका यहाँ से लेकर ये उधर ख़त्म हो रहा है वो, तो ये टोटल ट्रांसफार्मर है ठीक है। ये दो हमारा काम क्या होता है, हम आए आते ही इस कवर को ओपन किया, इस कवर को ओपन किया, ये कवर ओपन करके इसके अंदर केबल वगैरह लगे हुए होते हैं, उन केबल्स को हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, उसका टाइटनेस चेक करते हैं, उसके बाद में उसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं हो, अगर क्रैक हो तो उसका हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं ठीक है, और बंचिंग वगैरह कर देते हैं। उसके बाद में ऊपर वाला बड़ा कवर होता है ठीक है, इसको ओपन करते हैं बड़े वाले कवर को, ये वाला कवर है, इन कवर्स को हम क्या करते हैं ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद इसमें बहुत सारे बारीक जो वायरिंग रहती है उसको हम चेक करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं उसके जो रीडिंग होती है उसको नोट करते हैं ठीक है। इधर लगा प्रेशर सेंसर ठीक है, ये इसके अंदर से ऑयल जाता है, प्रेशर सेंसर चेक करते हैं, इसमें कूलेंट डलता है और मेन सप्लाई जो है वो इधर से आती है, इधर से आके इसके अंदर ये, तो आप देख सकते हो घरों में कितना सा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है और इस लोको के अंदर कितना बड़ा होता है ये देख लो आप। ये इसका एक पार्ट है इधर वाला यहाँ से लेके वहाँ तक, और इधर इसका सेकंड पार्ट है यहाँ से लेके वहाँ तक, ये तो मेन ट्रांसफार्मर है, मेन 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 ट्रांसफार्मर है। इसके पार्ट्स अलग है, पार्ट्स क्या है मैं बताता हूँ, तो ये इसका कंजर्वेटर ठीक है, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर के नीचे अंदर ऑयल ख़त्म हो जाता है, ये तो ऊपर ऊपर का है, इसके नीचे अभी ये रहा, इसके नीचे भी है, ये नीचे भी इसके शेप है और ऊपर भी है ठीक है। ये इसका कंजर्वेटर है, इसमें ऑयल भरा रहता है, आपको दिख रहा होगा, ये रहा ठीक है, ऐसा ही सेम रहता है।